हम लोग श्रीराम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जय सियाराम वाले पार्टी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आनंद मोहन का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनके साथ लवली आनंद भी हैं। भव्य स्वागत किया गया है और हज़ारों की भीड़ शामिल होगी विराट रैली में। विराट रैली में हज़ारों की भीड़ शामिल होगी। लवली आनंद जी, लाखों लोग शामिल होंगे रैली में, तो क्या लग रहा है? तो आप लोग देखिए कि किस तरह से लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है और हमेशा जहाँ काफी लंबे वक्त के साथ मुझे क्षेत्र में पति आनंद मोहन जी के साथ आप जा रही हैं। काफी लोगों ने तपस्या की है, सभी लोगों की तपस्या पूरी हुई है। यहाँ के लोगों के पूरे सभी लोगों की तपस्या पूरी हुई है लंबे वक्त के बाद। लंबे अर्थ पूरे बिहार की मतलब लगातार लोगों से मिल रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का प्यार स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। आज हम सभी लोगों को आपके माध्यम से आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आज लोगों के बिल्कुल बिल्कुल इस धरती को भी हम प्रणाम करें। बिल्कुल कर्म भूमि है, तो कितनी खुशी है। बिल्कुल बहुत बहुत, ये सब में बयान नहीं किया जा सकता। रैली होने वाली है, उसको लेकर बोला। रैली के बारे में बोल दिए, रैली के बारे में बोले हैं। 23 नवंबर को रैली होगी, लाखों लोग गांधी मैदान पटना आएंगे। जी 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 जी, क्या अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से जहाँ जा रहे हैं, स्नेह प्यार। और ये तो वो धरती है जहाँ पहली बार वर्ष 94 में ना 93 में 94 कन्फ्यूज कर 94 में लवली आनंद जी यहाँ से उपचुनाव में वैशाली से सांसद बनी थी। ये तो हम लोग की कर्म भूमि रही है। हम सबों को कहने आए हैं कि 23 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में एक विराट रैली होगी, उसका आमंत्रण देने आए हैं। और आप लोग के माध्यम से अभी हम गए थे पचभीरवा, यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था और वहाँ देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी। तो उसमें हम लोग गए थे शामिल होने और काफ़ी विलम्ब से पहुँचे, लेकिन काफ़ी लोग मौजूद थे। हमने मन से कहा कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो हम बिहार वासियों को अपेक्षा है कि पुनौरा जो सीता जी का प्राकट्य धाम है वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। और इस बात को हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि बिना सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्री राम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जय सियाराम वाले पार्टी है। ये नहीं है अभी राजनीतिक कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, आनंद मोहन है, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने साफ साफ कहा 23 नवंबर को एक बड़ी रैली होगी जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। उनका साफ साफ कहना है 5 से 10 लाख लोग शामिल होंगे। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से आनंद मोहन जी और लवली आनंद का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में, हर एक जिले में जहाँ जा रही हैं वहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है, भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इनका स्वागत किया जाए। कई सारी बातों को एक बड़ी मांग कर दी है लवली आनंद जी ने, अब बड़ी मांग की है और जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। बड़ी मांग ये है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी मंदिर बनना चाहिए, तो एक बड़ी मांग की गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।